तो गाइस फाइनली आईफोन 15, आईफोन 15 प्रो, 15 प्लस एंड 15 प्रो मैक्स लॉन्च हो चुका है। उसके साथ में वॉच सीरीज 9 भी लॉन्च हुई, तो उसके सब कुछ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्या क्या नई चीजें हमको इस बार आईफोन 15 लाइनअप में देखने को मिलने वाली है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम चाहते थे कि चेंज हो जाए हर बार, बट नहीं चेंज हो रहा था, बट इस बार फाइनली वो चीजें भी चेंज हुई है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इस बार चेंज हुई, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या नई चीजें इस बार आईफोन अपने 15 लाइनअप में लेके आया, सब कुछ आपके दिमाग आपको बताने वाले। चले गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वॉच सीरीज 9 से। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, बट कुछ चेंजेस इसमें भी किए गए, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्ले थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसमें ब्राइटनेस थोड़ा सा और आपको मिलने वाला है, 3000 निट्स का आपको ब्राइटनेस देखने को मिलने वाला है, जो कि एक अच्छी चीज है। आपको यहाँ पे चेंजेस मिलेंगे, आपको स्ट्रैप्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं एंड मेन डिस्प्ले में भी आपको यहाँ पे चेंज किया गया, अच्छी डिस्प्ले आपको और यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एंड अगर हम चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे S9 SIP का चिपसेट आपको देखने को मिलने वाला है। नए नए ब्रांड्स के कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले, मीन्स आपको बहुत से कलर्स आपको स्ट्रैप्स में देखने को मिलने वाले हैं एंड वॉच के भी अलग अलग कलर्स आपको अवेलेबल होंगे, जो कि अच्छे कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे सेटेलाइट वगैरह ऑप्शन आपको मिलेगा, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्रैश जैक्सन का ऑप्शन मिलेगा, तो वो साइड थी जो आपको पिछले में थी, वो इस बार भी आपको देखने को मिलने वाली है S9 सीरीज में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, बट वो छोटे छोटे चेंजेस किए गए। बात करते हैं सबसे पहले आईफोन 15 के बारे में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई है। सबसे पहले आपको डायनेमिक आईलैंड मिलने वाला आईफोन 15 में, जो प्रो एंड प्रो मैक्स में मिलता था, बट इस बार आपको आईफोन 15 में भी देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी चीज़ है। ये चीज़ जब हम डेली यूज़ करते हैं फोन को, तो हमें इसका यूज़ पता चलता है। छोटे छोटे जो नोटिफिकेशन है वो हमको ऊपर देखने को मिल जाते हैं, कोई भी चीज़ हमने ऑर्डर किया, स्विगी से ऑर्डर किया, तो उसकी लोकेशन कहाँ रखना होता है, वो सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जब वो नोटिफिकेशन मिल जाता है, वो चीज़ें अच्छी होती हैं एंड हमको हेल्प करती है बहुत सारी वीडियो में। सो हम जब एक्चुअल में इसको यूज़ करते हैं, तो डायनेमिक आईलैंड का बहुत ही अच्छा यूज़ हो जाता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे आपको आईफोन 15 में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्रो एंड प्रो मैक्स में सिर्फ देखने को मिलता था। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं जो कि अच्छी हुई है, टाइप सी पोर्ट आ गया, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। क्योंकि क्या होता था कि डाटा ट्रांसफर में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लाइटनिंग पोर्ट हर जगह मिलता नहीं था, तो वो लैपटॉप में अगर PC में हमको अगर खोलते कुछ ट्रांसफर करना होता था, तो टाइप सी पोर्ट से हम बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जो कि अभी आ चुका है ना, अभी हम आसानी से अपने डाटा को ट्रांसफर कर पाएंगे एंड स्पीड में हम अपने डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे। टाइप सी पोर्ट फाइनली आ चुका है, जिसका हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इंतजार था, तो वो चीज़ हो गया है एंड बढ़िया चीज़ है। टाइप सी पोर्ट आ गया, जो कि सभी फोन में एक्चुअल में आ चुका था, बट आईफोन में भी अभी साइज की आज। बात करते हैं कलर्स ऑप्शन की, तो आपको बहुत से कलर्स अच्छे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक पिंक कलर भी आया है, जो कि अच्छा कलर है, और से ऐसे कलर्स आए जो कि आपको पसंद आएगा। एक ब्लू आया है एंड हल्का लाइट ब्लू आया है, ब्लैक है, तो बहुत सारे कलर्स आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक पिंक कलर आया है, येलो कलर आया है, तो वो कलर्स ऑप्शन भी आपके पसंद आएंगे। अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे कलर्स ऑप्शन मिलेंगे, तो एक अच्छी चीज़ हो जाए। एंड अगर हम डिस्प्ले की साइज की बात करें, तो 6.1 इंच का आपको वही सेम साइज देखने को मिलेगा, प्लस में थोड़ा सा ज़्यादा, प्रो मैक्स में थोड़ा सा ज़्यादा, तो बस आपको साइज डिफरेंस आपको प्रो एंड प्रो मैक्स में मिलेगा एंड प्लस एंड आईफोन 15 में साइज डिफरेंस मिलेगा एंड छोटी छोटी चीज़ें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगर हम चिपसेट की, तो आपको यहाँ पे एप्पल का A16 बायोनिक चिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आईफोन 15 में, जो कि अच्छी चीज़ है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको ये देने वाला है। एंड जो मेन चीज चेंज हुई है, 48 मेगापिक्सल का भी कैमरा आज का आईफोन 15 में, जो कि 12 मेगापिक्सल का हुआ करता था, बट फिलहाल इस बार आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा एंड आपको यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा। तो ये कैमरा आपको मिलेगा, कैमरा सेटअप ऐसा होगा, क्योंकि अच्छी फोटोज आपको मिलेगा, ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है इस बार एंड ये चीज़ आपको बेहतरीन मिलेगी। सेटेलाइट का ऑप्शन मिलेगा, जो कि इंडिया में नहीं आएगा, बट वो चीज़ें आपको ऑप्शन में आएंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको चेंज मिलेगी इस बार आईफोन 15 में, जो कि सबसे बड़ा चेंज है टाइप सी, एंड आपको यहाँ पर 48 मेगापिक्सल देखने को मिलने वाला है एंड आपको यहाँ पर डायनेमिक आईलैंड देखने को मिलने वाला है इस बार आईफोन 15 में, जो कि प्रो एंड प्रो मैक्स इन सारी चीज़ें मिलती थी, बट इस बार आपको आईफोन 15 में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आईफोन 15 में चेंज मिलेगा, एग्जैक्ट अबाउट ऐसा ही आपको आईफोन 15 प्लस में भी मिलने वाला है। सारी चीज़ें आपको आईफोन 15 एंड 15 प्लस की अबाउट
सेम देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं प्रो वेरियंट्स की, जो कि बहुत सारी चीजें इसमें चेंज हुई है एंड बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीजें भी इसमें चेंज हुई है प्रो एंड प्रो मैक्स में बात करें। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे भी टाइप सी मिलेगा, 48 मेगापिक्सल देखने मिलने वाला है। तो ये दो चीज सबसे पहले चेंज हुई है। एक्शन बटन आ चुका है, एक्शन बटन जो हर बार अलर्ट स्लाइडर आता था वो इस बार चेंज हो चुका है, नया बटन आया है एक्शन बटन, जिससे बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ये चीजें जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, साइलेंट मोड, कैमरा ओपन कर सकते हैं, इतनी चीजें जो आप देख रहे हैं इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्शन बटन। एंड रिप्लेस हो चुका है, इस बार आपका जो अलर्ट स्लाइडर आता था वो इस बार हट चुका है, एक्शन बटन आ चुका है। जिसमें चिपसेट की बात करें तो K70 प्रो चिपसेट मिलने वाला है, जो एक नेक्स्ट लेवल चिपसेट है। इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, अलग अलग सीपीयू इसमें चेंज हुए हैं, जो कि अगर हम पीसी में गेम्स वगैरह खेलते हैं वो चीज आप इसमें गेमर है, आपको गेम्स पसंद है तो बहुत नेक्स्ट लेवल गेम्स आपको इस बार आईफोन 15 प्रो मैक्स में खेल सकते हैं या फिर प्रो में खेल सकते हैं। जो कि आप पीसी या फिर लैपटॉप में खेलते हैं वो आपको इस बार आईफोन 15 के प्रो लाइनअप में सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि अच्छी चीज है एंड अच्छी तरीके से आप उसमें खेल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपको बेहतरीन नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। एंड इस बार आपको 5x टेलीफोटो लेंस देखने को मिलने वाला है, इसलिए एप्पल ने बताया है। तो बहुत सारी चीजें आपको कैमरा में चेंज मिलने वाला है। दूसरी चीज कैमरा में जो चेंज है, आपको पोर्ट्रेट मोड एक और मिलने वाला है, जो कि ऑटो पोर्ट्रेट का ऑप्शन होगा। क्या होगा कि आप कोई भी एक फोटो खींचते हैं, नॉर्मल में फोटो आप खींचिए, उस चीज को आप बाद में पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है प्रो एंड प्रो मैक्स में, जो कि टाइटेनियम फ्रेम आपको देखने मिलने वाला है, टाइटेनियम बॉडी आपको इस आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स की देखने को मिलने वाली है। जो कि आपको पता होगा कि टाइटेनियम बहुत एक हार्ड मटेरियल होता है, जो कि अगर गिर जाता है, ड्रॉप कर दे तो टूटने की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला। तो प्रोटेक्शन लेवल प्रो एंड प्रो मैक्स में हाई हो चुका है, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइटेनियम का फ्रेम देखने को मिलने वाला, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। वो एक मैट फिनिश में डिजाइन भी देखने को मिलने वाला है एंड टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलने वाला, जिससे आपको लुक एंड आपका प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज है। टाइटेनियम की बॉडी देखने को मिलने वाली है इस बार आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स। वहाँ पे आगे सेरेमिक ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा, जो कि सारे लाइनअप में देखने वाला है, 15 प्लस, 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स। आगे आपको सेरेमिक ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा एंड आपको प्रो प्रो मैक्स में आपको जो है टाइटेनियम बॉडी मिलेंगे। तो ये चीज का प्रोटेक्शन आपको देखने मिलने वाला है। सारी चीजें जो है मैंने आपको बताई है वो चेंज हुई है इस बार आईफोन 15 लाइनअप में, जो कि अच्छी चीजें चेंज हुई है। तो एक खराब चीज है जो कि चेंज होना चाहिए था, कि 120 हर्ट्ज आना चाहिए था 15 एंड 15 प्लस में, जो कि इस बार भी नहीं आया। लोगों को लग रहा था कि शायद इस बार आईफोन 15 एंड 15 प्लस में आपको 120 हर्ट्ज मिल जाता है, क्योंकि 3000 का प्राइस अगर हम पे करते हैं तब भी 120 हर्ट्ज मिल जाता है। इस बार हम अगर 50,000, 60,000, 70,000 दे रहे हैं तो हमको 120 हर्ट्ज मिलना चाहिए था, बट इस बार भी आपको 15 एंड 15 प्लस में 120 हर्ट्ज नहीं मिलेगा। तो भाई ये चीजें थी जो आईफोन 15 के लाइनअप में चेंज हुई है एंड आई होप कि आपको पसंद आएगी। जो भी चीजें चेंज हुई है आईफोन 15 लाइनअप में वो सब कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की। चलो गाइस, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत से इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में मैं चाहें वंदे मातरम।